शिमला संसदीय क्षेत्र का सोलन में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन होगा। ये जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन बेहद खास रहने वाला है और आने वाले चुनावों में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में चारों की चारों सीटों पर विजय हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दों पर विजय हासिल करेगी, क्योंकि भाजपा ने कुछ ही महीनों में इतना विकास किया है जो कांग्रेस 5 वर्ष के कार्यकाल में भी नहीं कर पाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि 23 दिसंबर को सोलन में पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, जिसमें करीबन 30,000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। वहीं इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सांसद शांता कुमार और विधायक भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा का आंकड़ा 4-4 रहेगा, जिसके लिए भाजपा जी तोड़ मेहनत कर प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती से अस्पतालों और सड़कों की दयनीय हालत पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी व्यवस्था सुधरने को करीबन 3-4 वर्ष लग सकते हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि अभी अस्पतालों की हालत सुधरने वाली नहीं है और न ही कोई चिकित्सक सोलन की जनता को मिलने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सोलन की जनता को डॉक्टर देने की मीठी गोली क्यों दे गए थे। और हम लोग मान के चलते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में कार्यकर्ताओं की मेहनत से, नेताओं के तालमेल से और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से फिर से नरेंद्र मोदी जी की झोली में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो चारों की चारों सीटें डालेंगे। और उसके लिए हम लोग हर पार्लियामेंट का पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारे 1,44,000 पन्ना प्रमुख हैं। हमारा मंडी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो गया और 23 दिसंबर को हमने सोलन में पन्ना प्रमुख सम्मेलन रखा है इस पार्लियामेंट का। उसकी तैयारी चल रही है। हिमाचल प्रदेश के डेवलपमेंट के काम और जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट करना जयराम जी ने पिछले 11 महीनों में शुरू किया, जिसमें 57 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा वो कर चुके हैं और 27 दिसंबर से पहले उनका टारगेट है कि मैं 68 विधानसभाओं में जाकर के सारे जनता से मिल लूंगा। तो हम इसी आधार के ऊपर जो दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों सीटें हिमाचल प्रदेश में जीतेगी और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से जीतेगी।